नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव में अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। 10 विधानसभा सीटों पर आगामी वक्त में उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में करहल सीट को लेकर लगातार सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूती का यहाँ पर संदेश देते हुए करहल समेत तमाम 10 सीटों पर परचम लहराने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ यहां अपर्णा यादव को लेकर फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिशें कर रही है और कोशिशों में जुटी हुई है कि आखिरकार बीजेपी जिस तरीके की रणनीतियां तैयार कर रही है, उन रणनीतियों के आधार पर ही आगामी वक्त की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बीजेपी का रुख कर लिया था, उसके बाद एक बार फिर से उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के यहाँ पर तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जिस तरीके से यहाँ अपर्णा यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रख रही है, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि अपर्णा यादव यहाँ से एक बार फिर से यदि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती है तो उनकी राजनीतिक एंट्री हो सकती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इटावा पहुंची यहां पर अपर्णा यादव किस तरीके से अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला करती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने बयानबाजियां भी दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से काफ़ी प्रभावित हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या डिम्पल यादव शिवपाल यादव से इस सैफई में मुलाकात के बाद जो अटकलें यहां पर शुरू हुई थी और जिस तरीके की तैयारियां यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, क्या करहल सीट वाकई में यहां पर अपर्णा यादव को सौंपने की तैयारियां हैं और अपर्णा यादव क्या वाकई में बीजेपी हाईकमान के इन तमाम फैसलों को यहाँ पर कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए फिर से समाजवादी पार्टी में एंट्री करने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।